हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई में नंबर प्लेट का कीमत इतना ज़्यादा क्यों होता है और लोग इतने पैसे देख के इसे खरीदते क्यों हैं। तो इसके तीन कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहली बात, दुबई में चार तरह के नंबर प्लेट चलते हैं, चार डिजिट के, तीन डिजिट के, दो डिजिट के और एक डिजिट के। और जितना नंबर प्लेट में जितना नंबर कम होता जाएगा उसकी कीमत उतनी ही बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके चलूँ तो 1503 डिजिट का एक नंबर प्लेट कुछ दिनों पहले ऑक्शन हुआ था, उसका शुरुआती कीमत था 3,80,000 धीरम। अगर उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो उसका कीमत होता है 76 लाख रुपी। तो और भी अगर आपको बताऊं तो 100 जो नंबर प्लेट है उससे ज़्यादा कीमत है 1.5 मिलियन धीरम। और जो नंबर वन है, मतलब एक ही डिजिट का जो नंबर प्लेट है उसकी कीमत है 50 मिलियन धीरम। और उसे कोई ख़रीद नहीं सकता क्योंकि वो रूलर ऑफ दुबई के जो प्रिंस है उनके पास है। ऐसे एक से पांच जो है वो रूलर ऑफ दुबई के ही लोगों के पास है और उसके बाद से आप खरीद सकते हैं। दो नंबर, तीन नंबर के जैसे जो है वो उससे आप खरीद सकते। और दुबई के जो पुलिस है इसे वो भी इस्तेमाल करते हैं, दो डिजिट के मेनली वो भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्या है कि ये लोग इतने पैसे खर्च करके ऐसा नंबर प्लेट खरीदते हैं, इतना क्रेज़ी है इन चीज़ों के बारे में? तो इसके लिए तीन कारण है। पहला जो है वो है टैक्स फ्री। दुबई में आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, आप जितने भी पैसे कमाओ आप अपने पास रख सकते हो। और ये जो नंबर प्लेट ये लोग खरीदते हैं ये कोई साधारण आदमी नहीं होते, बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं। इतना पैसा वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे ना जो उनके लिए अच्छा होता है। तो टैक्स फ्री होने के कारण, इतना पैसा होने के कारण ये लोग ऐसी चीज़ खरीद पाते हैं। दूसरा जो कारण है वो है स्टेटस। अगर आपके पास ऐसे नंबर प्लेट खरीदने के पैसे हैं तो आप एक बहुत ही रईस आदमी है दुबई में, ये हर कोई जानता है दुबई में। तो अगर आप ऐसे नंबर प्लेट लगा के कोई कार में जा रहे हैं तो आपको हर जगह में एक फ्री एंट्री या इम्पोर्टेंस मिलता है, क्योंकि इस जगह में जो नंबर प्लेट ऐसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है या बहुत ही रिच पर्सन होता है। तो इससे इन लोगों का दो फायदा होता है। एक तो ये आप कहीं पर भी जाके आपको किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आप इम्पोर्टेंट है तो आपको हर चीज़ में एक्सेस दिया जाएगा पहले। और दूसरी बात ये है कि लोग इन सब चीज़ों को सर्च करता है कि किसके पास ये नंबर है, क्या है, तो उन्हें इससे उन लोगों के बारे में पता चलता है जो ये खरीद चुके हैं। तो क्या होता है कि इनका पर्सनल प्रमोशन भी हो जाता है या ये जो करते हैं इससे इनडायरेक्टली इनका फ़ायदा हो जाता है कि लोग आप उनको सर्च करें तो उन क्या काम करते हैं ये लोग इसे भी जानना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि इनके अपने तरीके से कोई प्रमोशन नहीं करना पड़ता और उन्हें इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाता है। और तीसरा जो फाइनल और मेन पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये लोग जो नंबर प्लेट इतना पैसा महंगा देके खरीदते हैं ना, तो ये लोग अपने नाम से खरीदते हैं, ये कोई गाड़ी के लिए पर्टिकुलर नहीं होता है। तो अगर आप इसे खरीद रहे हैं तो आप बाद में इसे बेच भी सकते हैं। और इन नंबर प्लेट का कीमत वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। आप अगर 2021 में 100 के देके इसे खरीदते हैं तो शायद 5 साल बाद ये 50 के ज़्यादा दाम भी हो सकता है। और इन चीज़ों की ऑक्शन होता है तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये लोग ऐसे ही नंबर प्लेट नहीं खरीदते, ये इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है जिससे ये बाद में पैसा भी कमा सकते हैं और इसे अपने एसेट को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे ऑड या प्राइम नंबर यूज़ करते हैं जैसे 99 दुबई में चलता है, ऐसा 786 या 1000, ये जो कुछ स्पेशल नंबर होता है ना इनकी कीमत और भी ज़्यादा होता है। तो जो लोग इसे खरीदते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं।
तो मैं आप लोगों को बता दिया कि ये कैसे काम करता है और क्यों ये लोग इतने पैसे देके नंबर प्लेट को ख़रीदते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू।